आखिरकार रेप के आरोपी नारायण साई ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सूरत पुलिस के मुताबिक नारायण साई ने जमुना समेत 8 लड़कियों के साथ अवैध संबंधों की बात मानी। सूरत पुलिस के कस्टडी में नारायण साई ने ये कबूल किया है कि उस पर लगा रेप का आरोप सही है, यानी रेप की बात नारायण ने कबूल कर ली है। रिमांड पीरियड के दरमियान उनसे काफी घनिष्ठ पूछताछ हुई है, जिसमें उन्होंने काफी खुलासे किए हैं। जो मेन एलिगेशन रेप का है, मोर ऑर लेस ही हैज एक्सेप्टेड इट। और जो दूसरा एक मोक्ष के बारे में था कि किसका लड़का है, उसके बारे में भी ही हैज एडमिटेड दैट उनका खुद का लड़का है। सूरत पुलिस के मुताबिक पूछताछ में नारायण ने यह भी कबूल कर लिया है कि वो जमुना के बेटे का पिता है। नारायण साई ने 8 और लड़कियों से शारीरिक संबंधों की बात भी कबूल की है। मैं करीब 8-1 और रिलेशनशिप्स कबूल किए हैं, इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी होगा। करीब उनके रिमांड पीरियड के दरमियान हमने 7 मोबाइल एक्स्ट्रा रिकवर किए हैं और 3 पेन ड्राइव हैं और 1 फ्लॉपी डिस्क है, जिसका भी इन्वेस्टिगेशन हम आगे करेंगे। नारायण साई के कबूलनामे के बाद सूरत पुलिस ने राहत की सांस ली है। रेप के आरोपी नारायण का कबूलनामा पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। नारायण साई की फरारी के दौरान उसे कितने लोगों ने मदद की है और जमुना और उसका बेटा आखिरकार कहाँ है, इन सारे सवालों के जवाब सूरत पुलिस को तलाशने बाकी है। ऐसे में देखना यह होगा कि आगे की जांच में सूरत पुलिस नारायण साई और उसके कुंबे से जुड़े और कितने रहस्यों से पर्दा उठा पाती है। इस समय सूरत से कीर्तिश पटेल के साथ अहमदाबाद से दीक्षित सोनी।